हेलो माय ट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। कि जैसा कि मैंने पार्ट वन स्टोरी ब्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो जिन लोगों ने पार्ट वन स्टोरी नहीं देखा है तो वो जाइए और पार्ट वन देखिए। तो आज मैं पार्ट टू स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखा है तो वो जाइए फटाफट, पार्ट वन को देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी मेरी मैरिज लव स्टोरी सुन के। तो चलिए आज मैं पार्ट टू शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ अधूरी कहानी रह गई थी जो आज फिर भी अगर अच्छे से बताऊं पूरा लॉन्ग में तो बहुत ब्लॉग बन जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो धीरे धीरे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पार्ट टू में आते हैं, जैसा कि पहली बार ये 2019 में आए थे, फिर इनके बड़े भाई, ये तीन भाई हैं और सबसे बड़े 2018 के मतलब लास्ट मंथ में आए थे, तो इससे मुझे 19 याद रहा। तो 2018 में आए थे और ये तीन भाई हैं, तो सबसे बड़े भाई के लिए आए थे और ये सबसे छोटे हैं। तो कहाँ मैं सबसे बड़ी और कहाँ से छोटी बन गई। तो हुआ यूँ कि पहली बार आए तो फिर पार्ट वन मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई थी। तो पार्ट वन अगर जो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप पार्ट वन जरूर देखें, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फिर पहली बार जो आए फिर आके चले गए, तो फिर सारा कनेक्शन हम लोगों का टूट ही गया। तो खुशी के साथ साथ बहुत हम लोगों के लाइफ में दुख भी आए। तो मैं सारी बातें आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो में ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो फिर हुआ यूँ कि मेरे पापा की तबीयत, मतलब मेरे शादी के 2-4 साल पहले से जो है ना, मेरे पापा बीमार चल रहे थे। तो फिर बीच बीच में उनका ट्रीटमेंट होता था बाहर से, तो इसी वजह से। और अभी का टाइम ऐसा है गाइस कि मतलब अच्छे इंसान की भी कोई गारंटी नहीं है, उन्हें कब क्या हो जाए किसी की भी नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा वो पेशेंट मतलब थे, कभी कभी कुछ ज़्यादा हो जाता था ऐसा कि उन्हें भी लगता था कि पता नहीं, मतलब जब तक हैं तब तक हैं। तो इस वजह से वो चाहते थे कि मतलब मेरे सामने ही मेरी बेटी की शादी हो जाए अच्छे से। तो मतलब कि एक पिता जो चाहते हैं कि अपने सामने ही हर बच्चे को जो है ना अच्छे अच्छे जगह पे पहुंचा जाए, तो उन्हें अच्छी खुशी होती है। तो इसी वजह से वो थोड़ा बहुत मतलब बीच बीच में हो जाता था ऐसा कि उन्हें लगता था कि जल्दी से जल्दी हो जाए मेरे सामने, तो अच्छा, आगे क्या हो नहीं हो किसने देखा है। तो इसी वजह से जो है ना, तो फिर ये लोग चले गए 2018 में आके। तो फिर बात बनते बनते नहीं बन पाई किसी वजह से। तो फिर इसके बीच मेरी भी मतलब 2-4 सालों में, जहाँ कि ये 2018 में आए थे और मेरी शादी 2021 में हुई, तो इन 3-4 सालों के बीच मेरे पापा ने भी बहुत लड़के देखे, तो हम लोगों भी ने देखे। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि विधि का विधान कौन मिटा सकता है। तो बस किसी ना किसी वजह से एक एक कमी, छोटी छोटी कमी के कारण जो है ना कि चलो इससे भी अच्छा, चलो इससे भी अच्छा, नहीं प्राइवेट नहीं तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं तो फिर ऐसा वैसा जो भी है। तो किसी किसी रीजन से जो है ना बात नहीं बन पाई। तो फिर धीरे 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 मेरे पापा की तबीयत जो है ना थोड़ी और मतलब ख़राब होने लगी, हेल्थ ख़राब रहने लगा। तो फिर उन्हें भी लगने लगा कि अब जो है ना मतलब कि बहुत तो ऐसा हो गया कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन अब जितना जल्दी हो सके अच्छा फैमिली मिले, अच्छा लड़का मिले, तो बहुत लेट होगी, यानी अब कर देना है। तो इसी वजह से हम लोग जो है ना थोड़ा सा ये हो गया कि मतलब बहुत जल्दी करनी है, क्योंकि पापा बहुत बीमार चलने लगे। उसके बाद फिर बीच में लॉकडाउन 2020 में कोरोना काल, ये जो जब जाहिर आप सबको पता है, तो उस वजह से जो है ना मेरे पापा का ट्रीटमेंट लखनऊ से चल रहा था, तो उस वजह से जो है ना डॉक्टर में भी काफ़ी गैपिंग आ गई, जिस वजह से जो है ना पापा का ट्रीटमेंट बहुत मतलब ट्रीटमेंट में देर होने के कारण मेरे पापा थोड़े से और विक होते चले गए। तो इस वजह से जो है ना बीमारी भी बढ़ती चली गई। तो फिर सब चीज़ मतलब जल्दी करना था, शादी भी जल्दी करनी थी, और फिर वैसा मतलब कि परफेक्ट दिख भी नहीं रहा था कि हाँ अच्छा फैमिली। तो फिर जब ये लोग आए थे तो फिर जब बड़े से नहीं हो पाया तो इनके पापा मेरे पापा को कॉल किए थे कि चलिए कोई बात नहीं, अगर एक संबंध नहीं हो पाया बड़े वाले से तो हम दूसरे वाले से करते हैं। तो तभी तो मेरे पापा ने कह दिया था कि दूसरे वाले नहीं, अगर तीसरे वाले से करनी है तो हम लोगों को पसंद है। तो तभी तो दूसरे की भी नहीं हुई थी, तो फिर इनकी कहाँ से होती, तो बस बात यहीं पर रुक गई थी, फिर कोई बात नहीं हुई थी। तो फिर मेरे पापा ने सोचा कि चलो टाइम कम है, लेकिन फिर भी मतलब इतना जल्दी किसी ने नहीं सोचा था, मेरे पापा नहीं रहे, अभी नहीं रहे वो।
लेकिन फिर भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि अगर शादी इतनी जल्दी हो जाएगी तो मेरे पापा इतनी जल्दी नहीं रहेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। तो फिर मेरे पापा को ख्याल आया कि फैमिली भी अच्छा था, लड़का भी अच्छा था, हर चीज़ अच्छा था, तो एक बार देखते हैं ट्राई मार के कि अगर दूसरे का भी मैरिज हो गया होगा तो तीसरे का तो करेंगे ही ना। तो फिर बस ऐसे ही ट्राई, कोई सीरियस नहीं था कि हाँ कर ही लेंगे, लेकिन एक बार बस पापा बोले कि चलो ट्राई करते हैं क्या जाता है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ अच्छी लगी थी, फैमिली लड़के हर चीज़। तो फिर मेरे पापा ने ऐसे ही ट्राई करके कॉल करा, तो फिर कॉल करने के बाद फिर इन लोगों का रिप्लाई यही आया कि हाँ दूसरे का तो हुआ है, लेकिन दूसरे का जो है ना अभी इधर ही हुआ है, तो फिर इतना जल्दी फिर तीसरे का कैसे, हर चीज़ तो पसंद है लेकिन फिर इतनी जल्दी, बहुत शादी में बहुत अरेंजमेंट भी करना होता है, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा ये लोग क्या कहते हैं असमंजस में पड़ गए कि इतनी जल्दी क्या बोले नहीं बोले। तो फिर बस तो फिर बस यहीं पे बात होने लगी कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है, पहले दूसरे वाले का इधर ही हुआ है, 6 महीने ही हुए हैं, तो फिर तीसरे वाला कितना जल्दी, हर चीज़ को एडमिट करने में भी टाइम लगता है। फिर ये जब सोचे थे कि मैं जब मैरिज करूँगा तो फिर अभी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितना ये चाहते थे, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी कि क्या करें नहीं करें। तो फिर और प्लस पॉइंट ये था कि इनके फैमिली को भी मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी लगी थी, बस लिखा नहीं था तो बोले कि नहीं हो पाया, लेकिन हर चीज़ अच्छा लगा था, तो फिर ये लोग भी चाहते थे, बट छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें आ रही थी, तो फिर हाना हो रहा था। तो फिर क्या हुआ ना, इसी तरह हाना होती रही, तो फिर मेरे पापा ने बोला कि अरे कब, वो लोग रिप्लाई देने में काफ़ी लेट लगा रहे हैं, हाँ या ना कुछ तो बोले। तो फिर मेरे पापा की भी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि मेरी वजह से ऐसे ये परेशान है, तो फिर मुझे भी थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ जाता था कि लड़की के पापा ना कहीं लड़का तो कुछ बोले, हाँ या ना बोले, ऐसे मेरे पापा को टेंशन हो रही है हाँ या ना कुछ बोलने से, जो है ना हम आगे भी तो देखेंगे। तो फिर ऐसे करके मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार जो है ना, होता है जैसे कि गार्जियन होते हैं तो उनके ऊपर बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो डायरेक्ट कुछ कह नहीं पाते हैं, और आजकल की लड़का लड़की कि मुँह फट सब कुछ बोल देते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे हाना हो रहा है, मेरे पापा को टेंशन हो रही है, तो मैं अगर कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो करूँ, हाँ या ना कुछ भी तो हो, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार लड़के से बात करके देखते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो बोलेंगे, तो हाँ या ना कुछ तो होगा ना। तो फिर फैमिली में ऐसी बात चली कि हाँ ठीक है एक बार लड़का की बात करके देखें। तो फिर मैंने बात करी तो मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता, अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो कुछ भी तो बोलो, हाँ या ना, ऐसे कि क्या कहते हैं कन्फ्यूजन में है, फैमिली पड़े हुए हैं, इसी तरह की कन्फ्यूजन चल रही थी, तो बताइए क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे जब मन में लड्डू फूट ही रही थी। तो बात ये था कि मंजले भाई की शादी मात्र अभी 3 मंथ हुई थी, जिसके वजह से और मेरा कोई अभी फिक्स इनकम का सोर्स नहीं था, मैं काम कर रहा था लेकिन अभी फिक्स पारिवारिक जीवन में के तरह से के लिए जो आमदनी फिक्स होना चाहिए उस हिसाब से कुछ नहीं था, ये अभी प्रिपेयर नहीं थे मैरिज के लिए, क्योंकि अचानक से रिश्ता आया कि हाँ ऐसा करना है, तो फिर इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा था कि क्या करें नहीं करें, क्योंकि शादी करनी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ ये नाम नहीं है, तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ती ही जाती है जिम्मेदारियाँ, तो इसलिए बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये भी कन्फ्यूजन थे, और ये अपनी जगह सही भी है, लेकिन हम लोगों की भी थोड़ी सी ये थी कि चलो देखते हैं, अगर अच्छा फैमिली है, और पापा को थोड़ा सा पापा के लिए थोड़ा सा जल्दी था, तो फिर इस वजह से जो है ना, तो फिर मैंने इनसे बात करी कि क्या हुआ, हाँ या ना, या जो भी प्रॉब्लम है आप खुल के बोल सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो फिर इन्होंने बस यही सब बातें बोली कि मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, ऐसा मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे पसंद हो और सब चीज़ पसंद है, बट मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, प्रिपेयर नहीं था, मैंने अभी सोचा नहीं था, मुझे और भी कुछ आगे करना था, तो बस ये सब बातें बोली, तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, बस तो फिर हम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम थी तो मैंने इनके साथ शेयर की कि बस इसी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा ये जल्दी करना पड़ रहा है, और बाकी दोनों फैमिली को पसंद ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे अप डाउन तो होते ही रहते हैं,
तो आगे मिल बांट के जो होगा जीवन की नैया हम लोग खेपेंगे। तो फिर इसी तरह से तो फिर इन्होंने वही बोली कि नहीं, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ ठीक है, सब चीज़ अच्छा है, बस यही सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपस में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने बात की तो फिर ये बोले कि अच्छा ठीक है। तो फिर हम लोग फिर बात करते करते जो है ना, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग और मजबूत होते गई, रिश्ते और अच्छे बनते गए। तो फिर डिसाइड हो गया कि चलो ठीक है। तो फैमिली तो पहले से माने ही थे, मेरे पापा, इनके पापा, सारे फैमिली, तो फिर सभी को। तो फिर हम लोगों ने फिर बस इनके तरफ से जो कन्फ्यूजन वाला ये सीन चल रहा था, तो फिर मेरे से बात करने के बाद ये भी क्लियर हो गया कि चलिए ठीक है, अगर आप मेरे साथ हर कंडीशन में रहने में मतलब रहने के लिए तैयार हो, तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तो इससे बड़ी क्या बात है एक लाइफ पार्टनर के लिए कि वो मेरे साथ हर कंडीशन में रहने के लिए तैयार है, मेरे हर कंडीशन में जीने के लिए तैयार है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो इसी तरह की सारी बातें हुई, तो फिर इनकी तरफ से क्लियर हुआ। तो फिर आगे इंगेजमेंट की तारीख तय हुई। इंगेजमेंट की तारीख तय होने के बाद फिर इंगेजमेंट के पहले की बात है, तो फिर इन्होंने मेरे से एक बात बोली कि अगर हम लोगों की मैरिज होती है तो ऐसे तो हम भगवान को उतना नहीं मानते हैं, विधि का विधान ये वो, लेकिन अगर हम लोगों की मैरिज होती है तो मान जाएंगे कि सही में जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ना मैंने आप सोचा था ऐसा, ना आपने सोचा था, ना किसी की फैमिली ऐसी सोची थी कि मतलब कि देखने जाओ किसके लिए हो जाता है किसके लिए। तो ये सब सारी चीज़ें तो है ना, तो बहुत ही एक तरफ से अमेजिंग लग रही थी, एक तरफ से एकदम हैरान करने वाला भी था। तो ये बस यही सब सीन चल रही थी। तो फिर पहली बार, और हाँ एक बात, पहली बार जब मैंने इनसे बात करी तो ये पहली बार में भी क्लियर नहीं बोले कि हाँ करनी नहीं करनी है, तो बस ऐसे ही हाँ ना हो रहा था। तो फिर धीरे धीरे आप तो फिर जैसे ही हमारी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती गई स्ट्रॉन्ग होती गई, तो फिर इनको भी लगा कि नहीं चलो कर ही लेते हैं, देखते हैं आगे जो होता है। तो फिर उसके बाद फिर हमारी इंगेजमेंट की तारीख तय हुई। तो फिर हमारी इंगेजमेंट हुई, उसके बाद फिर इंगेजमेंट में ही हमारी शादी के दिन शादी की तारीख भी फिक्स हुई। तो ठीक इंगेजमेंट के बाद हमारी शादी की तारीख एक महीने बाद हमारी शादी की तारीख निकल गई। और 2021 में भी कोरोना काल ही था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था 2020 की तरह, लेकिन फिर भी थी। तो यूँ कह सकते हैं कि बहुत फ्रीडम के साथ तो हमने नहीं की, ना तो मैंने अच्छे से मार्केटिंग की, ना फिर ये लोग कर पाए, मतलब कि जिस तरह भी, जैसे कि आप फ्रीडम से आप हर चीज़ कर सकते हो, मार्केटिंग वगैरह कहीं भी जा सकते हो, तो 2021 में भी उतना नहीं था, बीच बीच में लॉकडाउन लग ही रही थी 2021 तक। तो फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे मैनेज किया, और फिर शादी की भी शॉपिंग थोड़ी बहुत की, उसके बाद फिर हमारी शादी हुई। शादी के बाद एक महीने तक तो सब चीज़ अच्छा रहा, फिर दूसरे महीने पापा डॉक्टर के यहाँ गए ट्रीटमेंट के लिए। उनको हर एक ईयर में जाना होता था, तो इस बार भी वो एक ईयर के बाद, मतलब एक ईयर से ज़्यादा हो गया था, 1.5 साल हो गए थे, उनको एक ईयर में ही जाना था। तो फिर यही शादी वगैरह लेके, कभी लॉकडाउन लेके तो प्रॉब्लम हो जाती थी, तो वो नहीं जा पाए कंटिन्यू। तो इस बार जो है ना, वो 1.5 साल के बाद जा रहे थे, तो नॉर्मली जैसे ट्रीटमेंट कराने जाते थे हर एक साल पे, तो इसी तरह इस बार भी गए। तो इसके आगे बहुत ही हमारी दुखद कहानी है फ्रेंड्स, तो इसके आगे का ब्लॉग में पार्ट 3rd में आप लोगों को बताऊंगी, अब भी बता नहीं पाऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय बाय।